हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेलर सीन। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 का टीसीएन का पेपर्स। चार्ट है 5056। सो विल अप्रोच फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज सेइंग स्टेयरिंग 1702 एट 40 नॉट्स स्पेशल ड्रॉप हर पायलट व्हाइल 6 माइल अवे फ्रॉम वेरी हेडलाइट। पोजीशंस गिवन एट 2151 आवर्स, एट 2230 आवर्स स्टार पॉइंट लाइट। पोजीशंस गिवन 43402। फाइंड द पोजीशन ऑफ द शिप एट 2230 आवर्स सीएमजी एंड एसएमजी। तो फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ 2230 आवर्स सीएमजी पूछा है, एसएमजी पूछा है। 4 नॉट्स और क्या दिया है, 4 नॉट्स करंट सेट 0602 डायरेक्शन इन दिस एरिया। सो हाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। हमारे पास क्या दिया है, सीटीएस दिया हुआ है 1710 और इंजन स्पीड दिया है 40 नॉट्स। वेसल ड्रॉ कर पायलट 6 माइल अवे फ्रॉम बेरी हेड। सो 6 माइल अवे हमको क्या मिल गया, एक पोजीशन सर्कल मिल गया। एट 2151 आवर्स ये पोजीशन सर्कल हमको कितने टाइम में मिला, 2150 आवर्स। एंड 2230 आवर्स स्टार पॉइंट लाइट बोर्ड 240 हमको क्या मिल गया, एक पोजीशन लाइन, एक पोजीशन सर्कल मिल गया, एक पोजीशन लाइन मिल गया, सीटीएस मिल गया, इंजन स्पीड मिल गया और यहाँ पे आप देखिए करंट भी दिया हुआ है 0604 नॉट्स। तो हमारे पास करंट भी मिल गया तो हमको ट्रायंगल बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक पोजीशन सर्कल है, एक पोजीशन लाइन है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, अपना फिक्स मिल जाएगा। चलो अब हम इसको प्लॉट करते हैं चार्ट पे। सो दिस बेरी हेड एंड स्टार पॉइंट। सो दिस बेरी हेड एंड दिस इज कॉटन स्टार पॉइंट, बेरी हेड एंड स्टार पॉइंट। सो दिस इज बेरी हेड लाइट हाउस एंड दिस इज स्टार पॉइंट लाइट हाउस। So what we have one position circle, okay, 4 miles 6 mile away from, so 6 mile का हमने क्या किया, यहाँ से एक position circle draw किया और यहाँ से हम क्या किया, एक position line draw किया star point से, कितना 240, okay। अब क्या किया कि हम यहाँ से 39 minutes का एक triangle मारेंगे। 39 minutes का क्यों मारे, क्योंकि timing देखिए 2151 है and 2230 है, तो दोनों के बीच का difference कितना, 39 minutes। तो हम उसी रेशियो में इंजन स्पीड मारेंगे, उसी रेशियो में हम अपना करंट भी मारेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, अपना करंट ड्रॉ किया, अपना सीटीएस ड्रॉ किया। द रेड लाइन क्या है, सीटीएस है 39 मिनट्स के लिए, कितना है 1710। यहाँ से हम 1710 ड्रॉ किए 39 मिनट्स के लिए और यहाँ से हम 060 करंट ड्रॉ किए। ग्रीन अवर ग्रीन जो लाइट है, लाइन है ये करंट है और इसको हम ज्वाइन कर दिए तो हमको क्या मिला, एक एस्टिमेट पोजिशन मिल गया 39 मिनट्स का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना वापस ये जो 6 mile का हमने ये मारा था फर्स्ट पोजीशन सर्कल, यहाँ से अब हम मारेंगे कहाँ पे, ये जो पीएल पे मारे, पीएल पे जब हम मारेंगे तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जहाँ मीट करेगा फर्स्ट पीएल को, वो हमारा क्या हो गया 2230 आवर्स का पोजीशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये येलो जो सीएमजी है अपना, इसको हम यहाँ से रिवर्स मारेंगे, यानी इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस ट्रांसफर पोजीशन सर्कल से फर्स्ट पोजीशन सर्कल पे। तो ये हम पोस्ट मेड गुड को ट्रांसफर कर दिए तो ये 2151 आवर्स का पोजीशन हो गया, ये 2230 आवर्स का पोजीशन हो गया और ये अपना पोस्ट मेड गुड हो गया। और स्पीड मेड गुड कैसे निकालेंगे, ये 39 मिनट्स के लिए है, ठीक है। तो हमको कितने मिनट के लिए, 60 मिनट्स के लिए निकालना है, यानी कि 1 hour के लिए। तो इंटरपोलेशन मेथड करके हम ये निकाल लेंगे, ओके। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। At 10:30 hours, while steering 0752 at 12 knots, current setting 255 at 4 knots, a vessel leaves east channel recon position is given 4.1 port quarter at 4 miles. At 11:30 hours, he increases her speed at 60 knots, set course to have Anvil Point lighthouse right ahead when 12 miles away. Find course is she steering after 11:30 hours. And time and position when Anvil Point lighthouse would be right ahead. So इसमें क्या, इस क्वेश्चन में हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, how to identify this question, what type of question? So क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, दिया क्या, इसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देन उससे हमें क्या मिलेगा हम वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया, सीटीएस दिया 075 एंड रोल नॉट्स। सो हमको सीटीएस दिया, इंजन स्पीड दिया है, करंट सेटिंग 255 4 नॉट्स, तो करंट सेटिंग मिल गया और रेट ऑफ करंट भी मिल गया। Vessel leaves east channel recon 4.1 port quarter at 4 miles. 4 miles से हमको क्या मिल गया, position circle मिल गया। 4.1 port quarter, 4.1 port quarter से हमको क्या मिल गया, position line मिल गया। तो एक position line, एक position circle मिल गया, तो हमको क्या मिल गया, 10:30 का अपन fix मिल गया।
कैसे मिल गया अभी हम आपको प्लॉट करके बताएंगे। सो वहां से हम क्या करेंगे, 11:30 आवर्स का हमको इंक्रीज किया इन स्पीड, यहाँ पे 12 नॉट्स था, यहाँ से हम 16 नॉट्स करेंगे एंड सेट टू कोर्स एनविल पॉइंट लाइट हाउस राइट अहेड। तो ये राइट अहेड का क्वेश्चन आ गया, राइट अहेड व्हेन 12 माइल्स ऑफ, यहाँ पे 12 माइल्स ऑफ दिया है, क्वेश्चन में करंट भी दिया हुआ है, क्या है ये राइट अहेड विद करंट। सो हाउ विल अप्रोच, लेट्स सी। सो फर्स्ट 4 माइल्स का हमको क्या मिला है, यहाँ पे इस चैनल रिकॉर्ड यहाँ पे है TSS के सेंटर में। यहाँ से हम क्या किया, अपने 4 माइल्स ऑफ का एक पोजीशन सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 4.14 quarters, सो 0.75 आवर CTS है। सो इसका फोर क्वार्टर क्या होगा, 300 होगा। कैसे करेंगे, 0.75 यहाँ से 90 किए तो बीम पे आ गया, प्लस 45 किया तो यहाँ पे आपको 300 मिलेगा। सो यहाँ से हम 300 का एक ये मार दिए पोजीशन लाइन, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया वो अपना क्या हो गया, 10:30 का फिक्स मिल गया। सो हमको 10:30 का फिक्स मिल गया। अब 10:30 से हमको क्या करना है, 11:30 तक जाना है, किस स्पीड से, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नॉट्स के, 11:30 के बाद स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या किए, अगर अपना CTS ड्रॉ किए एक घंटे के लिए, 10:30 to 11:30 एक घंटे का CTS ड्रॉ किए। जब CTS ड्रॉ किए, CTS हमारा कितना था, 0.75, उसका रेसिप्रोकल बेयरिंग क्या होता है, फोर्स क्या होता है, 255। तो यानी हमको ये रेसिप्रोकल यानी अगेंस्ट करंट का फंडा है यहाँ पे, अगेंस्ट करंट का। तो यहाँ से हम क्या किए, 0.75 CTS मारे और 12 नॉट्स से यहाँ से हम 12। अब यहाँ पे क्या होता है कि करंट अगेंस्ट है, तो यहाँ से हम जहाँ पे 0.75 12 का 8 मारे, अब यहाँ से हम करंट मारेंगे 255 पे, तो करंट यहाँ से आया, तो ये 12 नॉट्स था और करंट कितना है 4 नॉट, करंट कितना है यहाँ पे हमको 4 नॉट्स, तो हमको 12 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 8 जहाँ पे 8 मिलेगा वो हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में कोर्स मेड गुड हो गया और वो हमारा क्या हो गया, 11:30 आवर्स का पोजिशन हो गया। ओके अभी यहाँ पे हम यहाँ पे ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट अहेड वाला फंडा यूज करेंगे। अब ये है हमारा एनविल पॉइंट, यहाँ से क्या किया हम 12 माइल्स का एक आर्क मारे, 12 माइल्स का। अब वहां से क्या किया हम CTS वापस, जो लाइट हाउस है वहां से हम CTS वापस ड्रॉ किए 255 वन आवर का, 4 नॉट्स का, ठीक है ये। अब क्या करेंगे हम, ये जो 11:30 का पोजीशन था और ये जो करंट है वन, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा, ये जो करंट का जो हमारा ये लाइट हाउस था, इसका सेंटर सी हो गया, ये जहां दोनों मिला वो बी हो गया। अब यहाँ जहां पे ये ग्रीन लाइट, जहां पे ये पोजीशन सर्कल को मिला, वहां से हम एक लाइन खींचेंगे जो सी को ज्वाइन करेगा, जो सी को ज्वाइन कर दिया वही अपना CTS हुआ, AC और CTS हो गया और BC और करंट हो गया और AB क्या हो गया अपना, स्पीड मेड गुड हो गया और कोर्स मेड गुड भी यही हो गया। अब क्या पूछा है कि हमको फाइंड द कोर्स टू शेयर एट 11 आफ्टर 11:30, तो ये जो CTS है यही हमको कोर्स टू शेयर करना है आफ्टर 11:30, हमको ये कोर्स टू शेयर करना है। ओके और क्या पूछा, टाइम एंड पोजीशन व्हेन एनविल पॉइंट लाइट हाउस विल बी राइट अहेड। सो आपके पास ये 11:30 का पोजीशन है और आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन डाल दो तो ये आपको ये डिस्टेंस कवर करना है। तो आपके पास एक घंटे का है जो AB मिलेगा और आपके पास ये डिस्टेंस कवर करना है, तो आप इसको इंटरपोलेशन मेथड से निकालो कि हम ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे कब पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो ए पॉइंट है यही आपका राइट अहेड, यही टाइम होगा पोजिशन एंड टाइम एंड पोजिशन एंड एनविल पॉइंट राइट आउट। तो ये जो ए पोजिशन है ये आपका राइट अहेड का पोजिशन हो गया और यही टाइमिंग हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी ईयर क्वेश्चन जस्ट राइट मी इन कमेंट बॉक्स सो आई कैन प्रिपेयर फर्स्ट दैट ईयर पेपर देन आई विल फॉलो द अदर्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस टू क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।